नमस्कार साथियों, मैं संदीप गुसाई इस समय अपने देहरादून घर पर हूँ। कोरोना पॉजिटिव हूँ, कल मेरी रिपोर्ट आई है और आज से दो तीन दिन पहले से ही, रिपोर्ट आने से पहले ही मैं आइसोलेट हो गया था। ये जो लड़ाई है कोरोना के ख़िलाफ़ पूरे दुनिया में, ये शरीर से ज़्यादा मन की लड़ाई है। स्थितियाँ बहुत अच्छी भी नहीं है। पहले भी मैंने आपको पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बताई थी कि क्या स्थिति है। इस समय हालात और भी ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में स्थिति और भी भयावह है। आप टेस्ट कराने भी जाएं तो आपको 3 से 4-6 घंटे तक लग रहे हैं। रिपोर्ट आने में भी 2 से 3 दिन लग रहा है। ये स्थिति देहरादून की है। देहरादून के जो अस्पताल हैं ओवर लोडेड हो गए हैं। जो तमाम दिक्कतें देश में हैं वो ही दिक्कतें यहाँ भी हैं। सरकार लगातार एक के बाद एक जो कड़े नियम है वो लगा रही है। पहले नाइट कर्फ्यू 10:30 बजे से था, उसके बाद इसको 7 बजे कर दिया गया। अब हर दिन दुकानें 2 बजे के बाद बंद हो जा रही हैं। इमरजेंसी जो दुकानें उनको छोड़कर जो तमाम बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कोरोना रिपोर्ट लानी ज़रूरी है, बिना उसके एंट्री नहीं की गई है। होम आइसोलेशन भी उनके लिए मस्ट कर दिया गया है। जो प्रवासी दिल्ली से या यूपी से या हरियाणा या गुजरात या महाराष्ट्र से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, सरकार कभी भी 1 हफ्ते का या 5 दिन का लॉकडाउन लगा सकती है। जो मैदानी 3 जिले हैं यानी देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल उधमसिंह नगर, ये जो 4 जिले हैं। अपनी स्थिति बता दूं, मैं पिछले 12 दिनों से पहाड़ में ही था। नैनीडांडा था जो पौड़ी गढ़वाल का एक ब्लॉक है, और वहाँ से तबीयत ख़राब हुई, फिर कोटद्वार आया, फिर देहरादून आकर मैंने टेस्ट कराया। तो ये सोचना कि पहाड़ भी अब वहाँ नहीं है, वहाँ सेफ है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है तो आप कभी भी कहीं भी कोरोना हो सकता है। इसलिए एहतियात ही सबसे बड़ा इस समय साधन है। उत्तराखंड का देहरादून इसका पूरे प्रदेश का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हर दिन लगभग 700 से 1000 के बीच केसेस आ रहे हैं। 4800, 4000 के ऊपर पिछले 3 दिनों से लगातार केसेज आए हैं। सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके अलावा जिस तेज़ी से ये पिछले 15 दिन में फैला है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं, सरकार के भी और जनता के भी। जो ट्रीटमेंट है वो मैंने शुरू करा दिया है। दूसरा दिन है होम आइसोलेशन का, और पूरे 14 दिन तक मैं होम आइसोलेशन में रहूँगा। जो दवाइयाँ हैं वो शुरू हो गई हैं, किट भी मेरी आने वाली है, किट का भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सरकार होम आइसोलेशन में जो लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको सरकार किट दे रही है। किट में दवाइयां हैं और कुछ और भी सामान है, लेकिन यकीन मानिए कि इस समय उत्तराखंड आना आपके लिए सेफ नहीं है। केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कुछ समय आपको इंतज़ार करना होगा, पूरा मई का महीना। हालांकि बारिश उत्तराखंड में हुई है, बर्फ़ पड़ी है, अप्रैल के महीने में उन इलाकों में बर्फ़ पड़ गई है जिन इलाकों में जनवरी और फरवरी में, दिसंबर में बर्फ़ पड़ती थी। हरसिल में बर्फ़ पड़ गई है, औली के आसपास की पहाड़ियों में बर्फ़ पड़ी है। अप्रैल के ये लास्ट जो पखवाड़ा है उसमें बर्फ़ अमूमन नहीं पड़ती थी। केदारनाथ में बर्फ़ पड़ गई है, बद्रीनाथ में, जो बहुत कम रेयर होता था, लेकिन इस बार 2 से 3 फीट तक बर्फ़ गिर गई है। मौसम कैसे चेंज हुआ है, कुछ दिन पहले ही नहीं जंगलों में आग लगी हुई थी और अब पूरा मौसम ठंड का है। ये स्थिति मौसम को लेकर है। थोड़ा सा अपनी स्थिति बता दूं, पेन दर्द है शरीर में, हल्का सा खड़े होने में दिक्कत, ज़्यादा देर तक अगर खड़ा रहूं तो दिक्कत हो रही है। बुखार नहीं है और खांसी भी कभी कभी हो रही है। सांस लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बॉडी में काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही है। और लगभग ये लक्षण जो है सभी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनमें लगभग, कमजोरी तो लगभग सभी में रहती है। आंखों में भी जलन है, तो रेस्ट ले रहा हूँ। जो जितना भी प्रिकॉशन डॉक्टरों ने बताए हैं कि आप गर्म पानी पीजिए, भाप भी लीजिए, भाप सिंपल पानी से ले रहा हूँ। उसके अलावा जो घर खान पान है उस पर भी पूरा ध्यान दे रहा हूँ। उम्मीद करिए, दुआ करिए कि मेरे लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हैं, देश उनसे इस समय, वो एक तरीके से अपनी आप जंग लड़ रहे हैं, और उनके लिए भी जो इस जंग में उनके हमराही है, यानी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो आपकी कोरोना
का टेस्ट ले रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो फोर्स हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो तमाम फील्डों में घूम रहे हैं, पहले भी उनसे उम्मीदें की जाती रही थी और अभी भी की जा रही हैं। तो फिलहाल यहीं रोकता हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा और फिर आपके बीच फिर से रूरल टेल्स में एक सफ़र को फिर आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं पहाड़ों से जहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन की इस समय कितनी डिमांड है। इसीलिए तो हम कहते रहे हैं कि पहाड़ों में आइए, घूमिए, ऑक्सीजन लीजिए, अपने आप को मजबूत करिए, फिर से मजबूत करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। जय नंदा, जय हिमालय।